हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाजा टेक्स। दोस्तों, हम कभी भी कहीं अगर टूर जाते हैं, कभी छुट्टी जाते हैं तो, और कहीं से आना है तो कहीं जाना है तुरंत, दोस्तों आपको ट्रेन में टिकट कंफर्मेशन नहीं मिलता है, वेटिंग में आ जाता है, तो आपके लिए दोस्तों रास्ता एक रहता है। और एक रास्ता दोस्तों वो है कि आप बस में जा सकते हैं, जो कि 12 घंटे 14 घंटे का जो रास्ता होता है उसके लिए आपको हर शहर से हर शहर तक बस मिल जाती है, जो कि आपको अगर आप शाम को 6-7 बजे अगर चढ़ जाएंगे तो सुबह आपको 6 बजे वहाँ पे उतार देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बस आपको बुक करने के लिए आप क्या है, फिर बुक ट्रैवल्स में जाते हैं, नहीं तो और कहीं डीलर के पास जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं और किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं। दोस्तों आप ये सब आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको अपना फ़ोन पे के ज़रिए आप बिल्कुल आसानी से बस को बुक कर सकते हैं और बस में जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी ये अपनाया है, काफ़ी बार मेरे को ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, एसी में अभी जाना है तो क्या है, मैंने तुरंत गया बस स्टॉप में, गया है तुरंत बस बुक किया है, बस में चला गया है। तो दोस्तों वो कैसे करना है मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बताने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों फ़ोनपे की तरफ। तो दोस्तों फ़ोनपे आपके फ़ोन में तो होगा ही, आपने आपको सिंपली आपको फ़ोनपे को ओपन करना है। जैसे आप फ़ोनपे को ओपन करेंगे दोस्तों, आपको इसके अंदर क्या है बहुत सारे इंटरफेस खुलेंगे, देखेंगे आप इस प्रकार से, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे आपका देखें फ़ोनपे में आपका होम पेज अभी देखें खुल जाएगा। जैसे फ़ोनपे का जो होम पेज खुल जाएगा दोस्तों, आपको अगर आपने लॉक किया फिंगरप्रिंट से लॉक अनलॉक करना है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप इसको ऊपर को स्क्रोल करना है। ऊपर को स्क्रोल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ट्रैवल बुकिंग में आपको बस का ऑप्शन है, ये वाला बस का ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। जैसे बस का ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम और टू, आपको यहाँ पर सिटी आपको चूज़ करना है। मैं यहाँ भी देखेंगे विजयवाड़ा से बेंगलुरु का भी बस में आपको कैसे बुक करना है, भी आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखें मैंने विजयवाड़ा टाइप करके विजयवाड़ा को चूज़ कर लिया है। टू में आप क्या है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी आपको मेन मेन सिटी के नाम आ जाते हैं। आप फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पर टाइप करके आप सर्च करते हैं, आपको आपका सिटी नाम आ जाएगा, बेंगलुरु आ गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उसके बाद आपको जर्नी डेट यहाँ पर टच करते हैं, आपको आपका महीना आ जाएगा, कौन सी डेट को जाना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बसेस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे बस यहाँ पे दिखाई देंगे, इसमें आपको स्लीपर है और नॉन एसी है, एसी है, बहुत सारे ट्रैवल्स के यहाँ पे नाम और टाइमिंग के साथ आपको जो टाइम आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे देख लेंगे आप। यहाँ देखें दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बस है, यहाँ पर मैं भी आपको एक बस यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जो भी आपको देखेंगे रेट देख लें, अगर आपको अच्छा फैसिलिटी चाहिए तो क्या है ज़्यादा पैसे लगेंगे। नॉर्मली आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कावेरी ट्रैवल्स दोस्तों 915 रुपये का भी है और 1500 का भी है, 3000 का भी है। दोस्तों आप अपने हिसाब से दोस्तों एक बस आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया है SBKDT ट्रैवल्स। दोस्तों इसको मैंने देखा है, जो आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है उसको आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें मैं वेंकटरमन ट्रैवल्स को चूज़ करता हूँ दोबारा, यहाँ पे वेंकटरमन ट्रैवल्स यहाँ पे चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे आपको सीट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखेंगे आपको लेफ्ट में है और राइट में है, जो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं वो खाली है। दोस्तों यहाँ पे देखें मैं लेफ्ट वाला जो सीट है L13 लेफ्ट 13, यहाँ पे देखें लोअर भी है अपर भी है, उसमें दोस्तों नीचे भी सीट होगा बस में, ऊपर भी सीट होगा, ये स्लीपर वाला है। तो मैंने लोअर का लेफ्ट साइड का 13 नंबर मैं चूज़ किया, यहाँ पे देखें 1500 रुपये इसका आ रहा है। तो यहाँ पे देखें नीचे सबसे नीचे सेलेक्ट बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है वाइट कलर में। दोस्तों उसको आप चूज़ करेंगे तो आपको कहाँ पे बोर्डिंग मतलब आप कहाँ पे चढ़ना है और ड्रॉपिंग कहाँ पे। यहाँ पे देखें मैंने सेलेक्ट बोर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ओल्ड बस स्टैंड वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा। एक NTR सर्किल है, एक ओल्ड बस स्टैंड है, वारादी है, एक मंगलगिरी बाईपास है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है आपके पास नज़दीक में कौन सा है वो वाला यहाँ पे ऑप्शन मैंने ओल्ड बस स्टैंड को चूज़ कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ड्रॉपिंग पॉइंट सेलेक्टेड, ड्रॉपिंग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर आपको उतरना है वो यहाँ पर देखूँगा। यहाँ पर देखें मारतहल्ली करके ऑप्शन है नीचे, वहाँ पर मेरे को उतरना है तो क्या है मारतहल्ली को यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ। जैसे आप चूज़ करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फाइल फिल पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पे टिक कर दिया है, क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें दोस्तों नेम आ गया है, नेम एंटर योर नेम, आपके पास जो आईडी कार्ड में जो नाम होता है दोस्तों वही चूज़ करें। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर आपको चूज़ करना है, चूज़ करके यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर एज करना, एज डालना है। एज डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे देखेंगे रेट आपका 1500 आ गया है।
यहाँ नीचे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको देखेंगे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट आपको पेमेंट का। यहाँ देखें दोस्तों यहाँ पे आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो क्या है, इंश्योरेंस भी आपको 1900 रुपये आपको अलग से कटेंगे, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो क्या है, नो के ऊपर नो करना है। यहाँ पे नो करके दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे आप फ़ोनपे से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंश्योरिंग दैट योर प्रीपेड सीट्स आर अवेलेबल, आपका सीट अवेलेबल है कि नहीं, कि यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। जैसे आपको चंद सेकंड में आपको इसका अवेलेबिलिटी दिखा देगा, इसके बाद आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट ए पेमेंट ऑप्शन विजयवाड़ा टू बेंगलोर, देखें दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट है और ड्रॉपिंग पॉइंट देख लिया है। इसका बस फेयर है 75 रुपीस में, GST अप्लाई हो रहा है। और कूपन कोड यहाँ पे आपको अगर बस कोई कूपन कोड है दोस्तों आपके ऑफ़र वाला, उसको भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। करके आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सीधा फ़ोनपे से ही आप बुक कर रहे हैं टिकट, तो इसलिए आपको फ़ोनपे में ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखेंगे ट्रैवल का नाम आ गया है यहाँ पर, इसके बाद डेट आ गया है। यहाँ पे आप कौन से अकाउंट से आपके अकाउंट से पैसे कट करना चाहते हैं वो अकाउंट को यहाँ पे चूज़ करके आप नीचे सिंपली पे के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप अपना UPI ID जो है पासवर्ड डालते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ देखें दोस्तों ये ब्लैंक आ रहा है, जो पासवर्ड डालते समय यहाँ पर दिखाता नहीं है इसके अंदर। देखो दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिंग सिक्योरली अभी पेमेंट हो जाएगा। यहाँ देखें पेड 1575 टू रेड बस, मतलब क्या है फ़ोनपे में जो रेड बस का ऑप्शन होता है उसी से हमने क्या है ये कर दिया है। यहाँ पे देखें दोस्तों यूअर टिकट डिटेल्स, यहाँ पे आपको सीट नंबर नीचे देखें L13 आ गया है, डेट टाइमिंग सब कुछ आ गया है। यहाँ पे आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके मोबाइल में ही पड़ा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके ईमेल आईडी आपने दिया है वो मेल में भी आपको टिकट आ जाएगा और आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा दोस्तों। आपको जैसे आप टिकट बुक करेंगे दोस्तों आपको उसी नंबर पर शाम को, मतलब जिस जो टाइम है बस है उससे पहले आपको फ़ोन भी किया जाएगा। वो ट्रैवल्स का नंबर भी टिकट में होता है, उसको भी आप कॉल करके अपना बस का टाइमिंग कभी लेट है तो उसको भी आप कंफर्मेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है, आप आसानी से घर बैठे जहां भी चलते फिरते आप क्या है अपना बस को बुक करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कॉमेंट करें। इस प्रकार दोस्तों वीडियो लेके आते रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।